सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सीबीआई ने जांच संभाल ली है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मशहूर अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा इस वक्त सीधा आज तक पर जुड़ रहे हैं। शत्रुघ्न जी, बहुत स्वागत आपका आज तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंजना, अच्छा लगा जी। शत्रुघ्न जी, आपने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया उसके बाद आपने कहा कि कैसे बिहार परिवार के लिए, जिसको आप सन ऑफ द सॉयल आप कहते थे, बिहार का लाडला, जी जी, उसके लिए जी, ये इंसाफ की घड़ी है। क्या है आपकी भावनाएं सुशांत सिंह के मामले में अब जब सीबीआई को जांच सौंपी गई है? सर, ये इंसाफ की घड़ी से ज्यादा मैं कहूंगा कि ये हम सबकी जो मांग रही और बहुत सारे लोग इसके समर्थन में आए, बहुत सारे लोग, यानी ना सिर्फ उनके परिवार और रिश्तेदार, हमारे अपने बिहार के लाडला, सन ऑफ द सॉयल और सन ऑफ द इंडिया, सन ऑफ इंडिया सुशांत सिंह राजपूत के, बल्कि उनके तमाम प्रशंसक, समर्थक, फैंस और खासकर यंगर जनरेशन के लोग जिस तरह से परेशान थे, चिंतित थे, समर्थन में सामने आए। और मैं विशेषकर आभार प्रकट करूंगा बिहार के तमाम राजनेताओं का, उसमें तेजस्वी यादव भी हैं, चिराग पासवान भी हैं, हमारे अपने मित्र और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं, और हमारा अपना कलाकार, वो भी सन ऑफ द सॉयल है, वो भी हमारा बिहार का लाडला है, हमारे अपने पटना का शेखर सुमन, जिसने ना सिर्फ समर्थन दिया बल्कि इस केस के ऊपर बहुत स्टडी की और बहुत स्टडी करके बहुत अच्छे तरह से, बहुत अच्छी तरह से उसने पेश की अपनी बातों को, बहुत बढ़िया से, और हमेशा वो साथ रहा, जुड़ा रहा। तो शेखर सुमन का और ऐसे भी तमाम लोग जो देश से, बहुत सारे विदेश से, चारों तरफ से जो लोग सामने आए, और मीडिया, मीडिया के लोग भी जिस तरह से इस बात को उठाते गए, जिस तरह से बढ़ाते गए, यानी कि इतना ज्यादा इसके ऊपर इसका प्रचार और प्रसार हुआ, सहानुभूति और बढ़ी, लोगों की संवेदनाएं और साथ आई, लोगों की दुआएं रंग लाई, और अंतोगत्वा जो हम सबकी मांग थी और चाह थी, ये केस कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई को सौंपने का मतलब है अंजना कि हमने, या सीबीआई के जरिए, सच्चाई का मार्ग प्रशस्त किया, यानी सच्चाई की दिशा में एक सही कदम उठा। अंजना, आपको तो पता होगा चाइनीज में कहावत है, जर्नी ऑफ थाउजेंड माइल्स मस्ट बिगिन विद अ सिंगल स्टेप, हजारों मील लंबी यात्रा की शुरुआत पहले उठे हुए बड़े हुए कदम से होती है। तो ये देखिए, कहावत कुछ हद तक या बहुत हद तक यहाँ पे लागू होता है कि एक बहुत जबरदस्त कदम उठा, और अब हमारी यही कामना है, मनोकामना है, प्रार्थना है कि जल्द से जल्द ये सच्चाई की दिशा में जो हम बढ़ रहे हैं सीबीआई के जरिए और अपनी दुआओं के जरिए, वो रंग लाए, यही हमारी कोशिश है और यही हमारी कशिश भी थी। न सिर्फ एक दमदार अभिनेता, एक पॉलिटिशियन के भी रूप में शत्रुघ्न जी, आपने ऐसे तमाम मुद्दों पर पार्टी लाइन से ऊपर हटकर बात की, और इसीलिए हर कोई सुनता है जब आप बोलते हैं, और इसीलिए इस पूरे मुद्दे पर भी प्रखर होकर आपने पहले भी बात की, एक बार फिर आप कर रहे हैं। बात आती है रिया चक्रवर्ती पर। देखिए, आपने खुद शेखर सुमन जी का नाम लिया। शेखर सुमन जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये ट्वीट किया कि रिया अब रिहा नहीं हो सकती है। विकास सिंह जो वकील है फैमिली के, वो भी कह रहे हैं कि कस्टोडियल इंटरोगेशन हो। क्या आपको भी लगता है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि 65-67 दिन निकल गए हैं, सबको ये डर लग रहा है कि सबूत ना मिट जाए, कहीं जांच में कोई अड़ंगा ना आ जाए। क्या आपको भी लगता है गिरफ्तारी होनी चाहिए? ये कई बार लगता तो जरूर था कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, यानी कि इतनी देर हुई, कहीं इस बीच में बहुत सारी बातों को या बहुत सारे सबूतों को इधर उधर या उनमें हेर फेर ना हो गई हो, एक आशंका रही। बहरहाल, अब जो बात कर रही हैं आप, अब तो मामला जो हम लोगों की कोशिश थी, हम लोग की चाह थी, आप तमाम लोग इतना जोर शोर से कह रहे थे और सही कह रहे थे, अब मामला सीबीआई को चला गया, अब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, ये नंबर वन। नंबर दो, कि मैं इनमें से बहुत सारे लोगों को बिल्कुल नजदीक से नहीं जानता हूं, और इस केस को भी उतने नजदीक से हमने स्टडी नहीं किया जितने नजदीक से हमारे अपने शेखर सुमन ने किया, बाकी नेताओं ने भी उतने नजदीक से नहीं किया है, लेकिन शेखर सुमन ने किया है। और साथ ही साथ
हमारे जितने अच्छे अच्छे वकील हैं बिहार में चाहे महाराष्ट्र में, इन लोगों ने या दिल्ली में, इन लोगों ने विकास सिंह जी का जिक्र किया आपने, बहुत सुलझे हुए आदमी दिखते हैं, बहुत बढ़िया आदमी दिखते हैं उन्होंने, और खासकर सुशांत सिंह राजपूत के जो परिवार के कुछ लोग हैं, मैं उन तमाम लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत ही कदर करता हूँ, बहुत ही सभ्य लोग हैं, बहुत ही कल्चर्ड लोग हैं, जैसे सुशांत खुद भी बहुत कल्चर था, बहुत बढ़िया एजुकेटेड स्मार्ट बढ़िया एकदम सेल्फ मेड, तो और हमारे अपने बिहार पटना से ही, तो एक लगाव तो बहुत रहा है। बट उसके बावजूद कहना चाहूंगा कि ये कुछ ऐसी विडंबना रही कि पटना के होने के बावजूद भी सुशांत से मेरी मुलाकात सिर्फ एक बार हुई थी और आया था और बहुत संस्कार के साथ उसने प्रणाम किया, उसने बहुत मेरी हौसला अफजाई की कह के कि हम तो आप रोल मॉडल हैं, हम तो चाहते थे, सब चाहता है वहां से आते हैं कि आप बिहारी बाबू हैं, हम सब चाहते हैं आपको देख के कि आप ही की तरह हम लोग भी, हमने कहा हमारी तरह क्यों, हमसे भी आगे जाना चाहिए, मीलों आगे जाना चाहिए। तो मैंने हम लोगों ने एक दूसरे बड़े अच्छे से बात की थी, उनके परिवार के साथ भी मेरा कोई इतना, मेरे कुछ दोस्तों के जरिए, कुछ लोगों के जरिए या मेरे परिवार के और सदस्यों के जरिए, उनके परिवार के लोगों की बहुत तारीफ सुनता रहा, बहुत मानता रहा। उनमें एक उनका एक भाई वहाँ MLA भी है, अच्छा है, सुलझा हुआ है, बहुत अच्छा बोल रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, नीरज नाम है उसका। लेकिन ऐसे मेरी खास मुलाकात नहीं थी। तो मैंने कहा कि इस केस के मामले में, और अब जबकि मामला CBI को सौंप दिया गया है, तो मेरे लिए कुछ उचित नहीं होगा कि अब मैं किसी और के ऊपर टीका टिप्पणी करूं, और वो भी जबकि मुझे पूरी जानकारी जिन बातों के नहीं है उसके आधार। लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने वाली हूं व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन है, और ये एक्सक्लूसिव है सर, मुझे पता है कि आप बहुत सोच समझ कर ही बोलेंगे, लेकिन एक बार ये व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन आप देखिए, महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बीच, ये 8 जून को है जिस दिन दिशा सालियान की मौत हुई थी और कथित रूप से उसके बाद दोनों नहीं मिले थे। उस दिन रिया चक्रवर्ती लगातार महेश भट्ट से बातचीत कर रही थी, मेरे पास शब्द नहीं है लेकिन आपको मैं कैसे बताऊं, शुक्रिया बहादुर बने रहने के लिए, मैंने हमेशा सब कुछ पीछे छोड़ दिया है आयशा ने, तुम मेरी बच्ची हो, तुम बहुत अच्छी मेरी बच्ची हो, आप सही थे, इस दिन के लिए हमारी मुलाकात हुई थी, सिर्फ फिल्म के लिए ही नहीं बल्कि कुछ बहुत अलग था, आपके बोले हुए हर शब्द गूंजते हैं, मैं आपके निस्वार्थ प्यार को महसूस करती हूं। शत्रुघ्न जी आज आपको बोलना चाहिए इस पर, क्योंकि सभी लोग ये जानना चाह रहे थे, और कोर्ट में रिया चक्रवर्ती ने कहा कि सुशांत ने मुझे कहा था घर छोड़कर जाने के लिए, रिया चक्रवर्ती ने व्हाट्सएप मैसेजेस लीक करके बहनों पर, परिवार पर, सब पर बड़े गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन अब बात तो अंदर से ये निकल कर आ रही है कि वो महेश भट्ट के साथ कॉन्टैक्ट में थी, वो सब कुछ जानते थे इस रिश्ते के बारे में, और वो उसको प्रोत्साहित कर रहे थे कि तुम निकल जाओ इस सबसे। शत्रुघ्न जी देखिए, कुछ हद तक तो मैंने अंजना इस बात का जवाब दे दिया है अभी, और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि इन बातों को अगर पेश करना है तो अभी जो CBI की इन्वेस्टिगेटिंग टीम है उसके सामने पेश करना चाहिए, वही लोग इस पे ज्यादा रोशनी डाल पाएंगे, कि हमें तो ये भी नहीं पता है कि उन दोनों के बीच रिश्ता क्या था, क्या गॉडफादर का रिश्ता था, एक बड़े बुजुर्ग का, अंकल का, पिता का, बेटे का, या कोई मित्र का, बहुत गहरे मित्र का रिश्ता था, हमें तो नहीं पता है। मैं तो आपको बताना चाहूंगा, जिस लड़की का आपने नाम लिया उस लड़की से भी आज तक मेरी कोई मुलाकात नहीं है। हाँ, उनके जो लॉयर हैं मान शिंदे, वो हमारे मित्र रहे हैं, उनसे कई बार पहले मुलाकात हुई सालों पहले, लेकिन अच्छे आदमी हैं, उनकी मैं कदर करता हूँ, लेकिन रिया से तो मेरी कोई मुलाकात आज तक नहीं हुई है। अब ये आपने जो दिखाया है, मैं शेखर सुमन की इस बात से भी सहमत हूँ कि उसने कहा कि महेश भट्ट तो इंटेलेक्चुअल आदमी है, बुद्धिजीवी है, अब उनका क्या है, क्या क्यों कहा उन्होंने, किस आधार पे कहा, वो रिश्ते की गहराई क्या थी, कैसे उन लोगों के अंदर वो रिश्ता पनपा, और पनपा तो मैं ये भी कोई टॉन्ट नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि क्या था, क्या वो उनको गॉडफादर मानती थी, या फादर फिगर थे वो, या फ्रेंड थे, क्या था। इन मामलों पे पहली बात तो मुझे कहने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि मुझे इन विषय की पूरी जानकारी नहीं है। आप जानती हैं और इस बात को आप लोग मानते भी हैं कि मैं कोई बात कहता हूं तो कम से कम विषय की जानकारी के आधार पे ही कहता हूं, जहां तक मुझे जानकारी होती है, लेकिन चूंकि मुझे नहीं है और मैं इन लोगों को
और दूसरा ये भी देखिए कि हमारे उनमें सुशांत के भी और जिनका नाम लिया आपने, इन लोगों के बीच में बहुत अंतर भी है। ये लोग सही माने में तो आप कह सकते हैं अंजना कि हमारे बच्चे समान है, बच्चे समान इन द सेंस की एज फैक्टर। हमारे साथ सुशांत भी जब आए थे, जब मिले थे तो बहुत रिस्पेक्टफुली मिले थे, बहुत संस्कार के साथ मिले थे, लेकिन हमने उनसे भी कहा था कि भाई हमारा तो हम तो तुम्हारी हौसला अफजाई कर सकते हैं, हम तो यही चाहेंगे कि तुम लोग जो कहते हो कि हमारे जैसा नाम हमसे हजार गुना बढ़ के नाम हो, हम तो यही दुआ करेंगे, शो मस्ट गो ऑन, चलते रहना चाहिए और कोई भी पैमाना जो है वो आखिरी पैमाना नहीं होना चाहिए। ये सब बातें उनको भी अच्छी लगी थी, मुझे भी अच्छी लगी थी। जहां तक आपने लड़की का जिक्र किया, मेरी तो कभी मुलाकात भी नहीं इनसे, तो सुशांत से तो एक बार मुलाकात हुई थी, इनसे कभी मुलाकात भी नहीं हुई है। महेश भट्ट से भी मुझे मिले हुए कम से कम 4-5 साल तो जरूर हो चुके होंगे, शायद उससे ज्यादा ही। इसलिए मैं अपना सुझाव एक हम्बली हमें कहना चाहूंगा कि इन बातों को अगर CBI के सामने रखा जाए, चाहे जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनके सामने रखा जाए, तो वो लोग ही ज्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे और वो लोग ही इस विषय पे और ज्यादा रोशनी डाल पाएंगे। मैं समझता हूँ कि आप मुझे गलत नहीं समझ रही। जी नहीं, बिल्कुल आप अपना पक्ष रख रहे हैं और जो आप जानते हैं उसी के आधार पर बातचीत भी होनी चाहिए। मुंबई पुलिस ने लगभग 66 दिन सर इसकी तफ्तीश की, 66 डेज हो गए हैं अब सुशांत की मौत को। आपको भरोसा जग रहा था उनकी जांच पर, क्योंकि आप भी लगातार आवाज उठा रहे थे, आपको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने बड़े बड़े लैप्सेस। आप देखिए ना सर, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ऐसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर कथित ये आत्महत्या का केस था मुंबई पुलिस के हिसाब से, जिसमें कितने घंटे पहले मौत हुई है इसका जिक्र नहीं है, उनके मोबाइल तमाम जो निजी बिलोंगिंग्स थे फॉरेंसिक्स के लिए देने में बहुत देरी की गई, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत जो लोग उस घर में उस वक्त मौजूद थे, इन तमाम लोगों से नीरज, उनमें से एक सिद्धार्थ पिठानी दूसरे शहर चला गया है, रूम को कमरे को सील नहीं किया गया, क्या मुंबई पुलिस की जांच ठीक चल रही थी? देखिए आपकी इन बातों में बहुत दम है और उससे भी ज्यादा कहूंगा, थोड़ा मैं देख रहा था कुछ देर के लिए, हमारा अपना अनुज भाई शेखर सुमन ने जो बातें रखी, मैं तो यहां तक कहूंगा जिस तरह से उन्होंने पेश किया पोस्टमार्टम के बारे में, टाइमिंग्स के बारे में, लोगों के एक साथ छुट्टी पे चले जाने के मामले में, सारे डॉक्टर्स के या बाकी बहुत सारी बातें की सील नहीं करने की, मैं तो कहूंगा कि उस पर पुलिस CBI को बहुत सारी बातें सीखनी चाहिए शेखर सुमन से, कि शेखर सुमन ने कितने बढ़िया से विस्तृत तौर पे, अच्छे से सुलझे हुए तौर पे इन बातों को पेश किया, हाईली अप्रिशिएटेड। और अभी आपकी बात पे आने से पहले कहूंगा, अब आपकी बात पे आता हूं, ये जरूर मुझे लग रहा था कि इतनी देरी क्यों हो रही है, ऐसा मुझे जरूर लग रहा था कि इतनी देरी क्यों हो रही है। मैं तो खुद इस इंप्रेशन में था जब मैं चैनल पे इंटरव्यू पे गया, जिसकी बहुत प्रशंसा भी हुई, लोगों ने तारीफ भी की कि शायद मैं पहला, सबसे पहला, उन्होंने कहा आप सबसे बड़े हैं या बेस्ट हैं या फर्स्ट हैं जो उस सीनियर्स की श्रेणी से, चाहे स्टार्स की श्रेणी से, चाहे सेलिब्रिटीज में से जो खुलकर सामने आया, बहुत कुछ कहा हमने, आपने देखा भी होगा उस चैनल पर या बहुत लोगों ने देखा होगा। उसमें मैंने ये, मुझे तो खुद इंप्रेशन था कि आत्महत्या का मामला, ऐसा नहीं कि आज इंप्रेशन बदल गया, मैं अगेन शेखर सुमन को ही कोट करता हूं कि अगर आत्महत्या भी है तो इसकी पुष्टि होनी चाहिए, इसमें शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर उन्होंने कहा कि नहीं आत्महत्या नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे, और लोगों को लगा कि सो उससे ये हादसा है, ये बहुत बड़ी घटना घटित हुई है, तो मैंने कहा मैं फिर अपने आप को होल्ड करता हूं कि अगर ये बात है, तब हमसे कहा गया कि CBI के, हम कहा हाँ CBI क्यों, मुंबई पुलिस बहुत काबिल है, ऐसा नहीं कि मुंबई पुलिस ने अच्छे अच्छे काम नहीं किए आज तक, बहुत किए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन ऐसा होगा कि फिर CBI को, हमने कहा CBI को आप देना चाहते, तो मैंने खुद कहा था और आज भी मैं कह रहा हूं, दिया है, बहुत अच्छा किया है सत्य की खोज में, CBI का सामने आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन CBI को होली काउ नहीं है, मैं शुरू से मानता हूं CBI जो है बहुत सारे केसेस जो है अनफॉर्चुनेटली, उसमें लोग बहुत अच्छे हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके उनको उनका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, उनकी अप्रोच बहुत प्रोफेशनल है, उनका चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि सच्चाई उजागर हो सकती है CBI के जरिए,
उनको सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस हैं अनफॉर्चुनेटली, जैसे आरुषि का केस लोग कहते हैं, जैसे दाबोलकर का केस कहते हैं लोग, जैसे लोग जिया खान का केस कहते हैं, वैसे और बहुत सारे केसेस हैं जो सीबीआई को, सीबीआई की तमाम पूरी कोशिश, अच्छी नीयत, सिंसियरिटी के बावजूद हल नहीं हो पाया है अभी तक खासकर। तो मैंने कहा होली काउ नहीं, लेकिन फिर भी उस वक्त भी कहा था और आज भी कहता हूं आपसे कि होली काउ ना हो लेकिन बेस्ट काउ तो है अभी भी, सारों में सबसे प्रोफेशनल अप्रोच जो है और सबसे बढ़िया एजेंसी कोई है अभी तो फिलहाल मैं जरूर मानता हूं और जानता हूं कि सीबीआई है। इसलिए हम जब शुरू से जब बाहमने का फिर ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी होने के लिए सीबीआई को उसकी जांच देनी चाहिए और अंतोगत्वा सीबीआई को जांच दी। हम सुप्रीम कोर्ट के बहुत आभारी हैं, हम आप लोगों के बहुत आभारी हैं, शेखर सुमन के साथ साथ पुनः कहना चाहूंगा उनके रिश्तेदारों का, सुशांत के रिश्तेदारों का, उनके वकीलों का, के साथ साथ मैं अपने मित्र और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बहुत आभारी हूं जिन्होंने सीबीआई का ऑर्डर दिया वहां से बिगनिंग में। हमारे तेजस्वी यादव ने भी बहुत जोर शोर से आवाज उठाई और चिराग पासवान ने, इन तमाम दलों ने इस मामले में बात उठाई, इस मामले पे सब एक मत थे, नाइंसाफी हुई है, एक मत, एक गुट और एक जुट रहे सुशांत के मामले में कि वो सनत सॉयल है, हमारे अपने बिहार का बेटा है, पटना का लाडला है, सही मायनों में अपनी मेहनत से और अपने कर्म से वो सन ऑफ इंडिया बनकर उभरा, ऐसे का साथ देना चाहिए, लोगों ने साथ दिया और शेखर सुमन भी उसी कड़ी में बहुत मजबूती के साथ सामने आया और बहुत सुलझे हुए तरीके से। इसलिए मैंने कहा कि उनसे तो पुलिस सीबीआई को सीखना चाहिए कि कैसे सवाल करना चाहिए और कैसे सवालों को सामने लाना चाहिए। शत्रुघ्न जी, आपका कद और बॉलीवुड में आपका योगदान अमिट है, अमर है, बहुत बड़ा है। आप वाकई शायद उन सितारों की कतार में पहले और आखिरी व्यक्ति साबित हुए जिसने खुलकर इस तरह से मांग की। अगर हम कंगना रनौत को भी देखें, उन पर बाद में चर्चा करेंगे, क्या वजह है सारे इसकी? सुशांत सिंह राजपूत सिर्फ बिहार के तो थे नहीं कि सिर्फ शेखर सुमन बोलेंगे, शत्रुघ्न सिन्हा बोलेंगे, क्यों बॉलीवुड से तमाम अन्य सितारों की आवाज नहीं खुली? क्या किसी को नहीं दिल में कचोटा कि जिस शख्स ने इतना योगदान यहां पर दिया था, हमारा हिस्सा था, 66 दिन से इधर से उधर मुंबई पुलिस कर रही है, आज कम से कम इंसाफ की आस, जो भी हो, सच हो, आत्महत्या है या हत्या है कोई नहीं कह सकता अभी, लेकिन सच तो आए, परिवार को सच जानने का, क्लोजर मिलने का अधिकार तो है, क्यों बाकी बॉलीवुड में से किसी एक ने आवाज नहीं उठाई सर? बहुत ही अहम सवाल है अंजना आपका, अच्छी स्टडी है आपकी, आपने ऑब्जर्व किया है, मैं इसके लिए आपकी बहुत सराहना करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ कहना चाहूंगा कि बहुत ही दुर्भाग्य है, क्या इसके पीछे सिर्फ डर है, डर सत्ताधारी का, या डर कुछ खास लोगों का, या डर किसी खास पार्टी का, या फिर इसके पीछे कुछ लोगों का स्वार्थ भी हो सकता है कि हमारे साथ नहीं हुआ है, या हमारे उसके बीच में बहुत गैप था, वो उतना बड़ा स्टार नहीं था। हालांकि मैं अभी भी कह दूं कि भले ही वो उतना बड़ा स्टार ना रहा हो, लेकिन देखें आप आज जो हादसा हुआ उसके बाद आज दुनिया में कितना बड़ा स्टार बनकर उभरा है वो, कि जो लोग चारों तरफ जो उसको नहीं जानते थे वो भी इस बात को मानते हैं कि बहुत ज्यादती हुई है सुशांत के साथ और सब सामने आए और आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं। यानी ऐसा तो वातावरण शायद बिरला ही कभी देखने को मिला होगा वही इतना। और दूसरी बात कि इसके अंदर बहुत संभावना थी, ये सेल्फ मेड अपने ऊपर सुशांत बढ़ रहा था, बढ़कर सामने आया था, जैसे उसने मुझे कहा कि आप बगैर किसी गॉडफादर के किस तरह से आप सेल्फ मेड रहे हैं या धर्मेंद्र और लोग रहे हैं, बट हमारे बारे में इसलिए चुप में पटना और बिहार से रहा, बिहारी बाबू रहा, उसके नजरों में बहुत प्यारा रहा, बहुत रिस्पेक्टफुल रहा। लेकिन साथ ही साथ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा जिस तरह से भी आया उभर कर वो सेल्फ मेड, लेकिन उसका सब स्टार तो था ही वो, लेकिन अभी उसके अंदर बहुत बड़े स्टार बनने की संभावनाएं थीं अगर बीच में कुछ गतिरोध नहीं पैदा होता, कुछ अवरोध नहीं पैदा होता, जिसके बारे में आप जानती हैं, जिसके बारे में बाद में फिर अलग से कहीं भी चर्चा की जा सकती है।
अब रही बात कि लोग सामने क्यों नहीं आए, मुझे ताज्जुब भी होता है, मुझे कहना पड़ता है कि दुर्भाग्य है, अब उनके बदले कैसे जवाब। और कुछ लोग अभी सामने आ रहे हैं, जबकि जैसा मैंने कहा था बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, अब आ रहे हैं सामने समर्थन में। अगर मैं सामने आया जब मेरे अंदर कोई गिल्ट नहीं था और मेरे अंदर एक समर्थन था, जबरदस्त प्यार था, अब मान था, सम्मान था पूरे परिवार के लिए, सुशांत के या सुशांत के लिए बहुत प्यार था, तो मैं सामने आया, खुलकर बात की मैंने, आप जैसा आपने भी कहा और आपने इसकी सराहना की। लेकिन मैं चाहता था कि शायद इससे मैं और लोगों को भी हौसला अफजाई करूं। ये जो आप लोगों को इतनी देरी हुई यहां इस मुकाम तक पहुंचने में, सुप्रीम कोर्ट के जरिए सच्चाई की राह की तलाश में सीबीआई तक पहुंचने में, मैं समझता हूं ये और बड़े बड़े लोग, नामचीन लोग अगर सामने आ जाते, कुछ की मजबूरियां भी हो सकती। और आइए देखते हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।